हेलो, आज हम शुरू करेंगे क्लास टेंथ का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में एक्चुअली हमें डील करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं और उन 118 एलिमेंट्स में से कार्बन एक एलिमेंट है। उस कार्बन को अगर निकाल दें तो टोटल 117 एलिमेंट्स मिलकर करीब करीब 1 लाख कंपाउंड्स बनाते हैं और कार्बन अकेला करीब करीब 10 मिलियंस कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है ना। इतना फर्क है, यानी कि कार्बन की कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सारी मेडिसिन कार्बन है, सारे ये जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, पॉलीमर्स जो है वो सब कार्बन है, सारी फूड इंडस्ट्री जो खाना हम खाते हैं वो कार्बन है, जिस खाने को खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, वो कार्बन है। जो आपकी आंखों में कंपाउंड है जिनकी वजह से आप देख पा रहे हैं, रेटिनल नाम के जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ अमीनो एसिड्स हैं, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। आप जो कान से सुन पाते हैं उस कान में भी आपके कुछ अमीनो एसिड्स हैं, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। हमारी बॉडी जो है वो कार्बन का कंपाउंड है। हालांकि कार्बन एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाया जाता है और अर्थक्रस्ट में भी बहुत कम पाया जाता है। अर्थक्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज है 0.02%, और वो भी थोड़ा बहुत कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड और पेट्रोलियम की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंटेज है 0.03%, ठीक है ना। अर्थक्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज कार्बन है 0.02%, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंटेज है 0.03%, ठीक है ना। ये मोस्टली CO2 की फॉर्म में होता है। और यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर बहुत सारे कार्बोनेट्स हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है ना, साइनाइड्स हैं, आइसोसाइनाइड्स हैं, थायोसाइनाइड्स हैं, पेट्रोलियम है, इनकी फॉर्म में ये अर्थक्रस्ट में पाया जाता है कार्बन। लेकिन इस कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं हम। बाकी कार्बन के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ लिया है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी बात करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने इनका बड़ा नाम है, बहुत नामी थे, इन्होंने चीज़ों के नाम रखे, कंपाउंड्स के नाम रखे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के नाम रखे। ही वॉज अ वेरी ग्रेट बिग साइंटिस्ट एंड नोबडी कुड डेयर टू यू नो कॉन्ट्राडिक्ट हिम। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से ही बनाए जा सकते हैं। दो तरह के कंपाउंड्स उस समय पाए जाते थे, उस जमाने की बात है ये, 1800 के शुरुआत में। उस जमाने में दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते थे, कौन कौन से, एक जो अर्थक्रस्ट से मिलते थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया, और एक वो जो मरे हुए जानवरों से या पेड़ पौधों से या वेजिटेबल से उनसे मिलते थे उन कंपाउंड्स को कहा गया ऑर्गेनिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स डेराइव किए गए उनको कहा गया ऑर्गेनिक। और बर्जीलियस ने यह कहा कि क्योंकि ये कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव किए जाते हैं इसलिए इसका नाम रखा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और न केवल उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम रख दिया बल्कि उन्होंने एक थ्योरी बना दी। थ्योरी कौन सी बनाई, थ्योरी बनाई वाइटल फोर्स थ्योरी। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो कंपाउंड्स है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से शुरू करके आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी कंपाउंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करके बनाना संभव नहीं है, ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया। और इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने की किसी की उस समय हिम्मत नहीं थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिजम के वेस्ट से ही बनाए जाएंगे, दे कैन बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ए स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड
to derive these compounds which is present only in living organisms. ठीक है ना? और उस जमाने में ये vital phase theory अपने peak पर थी. तब एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोलर, फ्रेडरिक वोलर नाम था. 1828 की बात. इन्होंने अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट ये एक कंपाउंड होता है, अमोनियम साइनेट, ठीक है ना, अमोनियम साइनेट लेकर लेबोरेटरी में, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में हीट वीट करके और इससे यूरिया बना दिया, NH2CuNH2, दिस इज यूरिया. ये पहली बार था, ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया गया था. वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में तो ये कहा गया था कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करके लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते. वोलर ने कहा नहीं साहब, बन गया ये कंपाउंड. बड़ा धक्का लगा वाइटल फोर्स थ्योरी को. तो उसके बाद तो बिल्कुल चेन ही चल पड़ी. कोल्ब नाम के एक साइंटिस्ट ने एसिडिक एसिड बना दिया, दूसरे और बहुत सारे लोगों ने दूसरे और कंपाउंड्स बना दिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से शुरू करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते चले गए. तो वाइटल फोर्स थ्योरी फाइनली कोलैप्स हो गई, ठीक है ना. वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही वो ड्राइविंग फोर्स हैं जो इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है ना. वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से शुरू करके आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता. लेकिन वोलर ने यह भ्रम तोड़ दिया. उसके बाद दूसरे लोगों ने भी लाइन लगा दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए लेबोरेटरी में बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू कर दिया. कोल्ब ने एसिडिक एसिड बना दिया कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर के. तब वाइटल फोर्स थ्योरी फाइनली कोलैप्स हो गई. अब एक प्रॉब्लम थी. पहले तो हम इसको ऑर्गेनिक क्यों बोलते थे, क्योंकि हम कहते थे कि भाई ये कंपाउंड्स हुए हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से डिराइव होते हैं. These compounds are derived from the waste of living organisms and they cannot be synthesized artificially in laboratory starting with any inorganic material. Initially, this was the impression and that's why name organic. Now, after these experiments, the very significance behind the name organic was lost. अब तो organic के नाम के पीछे का जो significance था वो खत्म हो गया. हम तो इसको organic इसलिए कहते थे क्योंकि ये living organism के waste से बनाया जाता था. लेकिन अब जब ऑर्गेनिक के नाम के पीछे का महत्व ही खत्म हो गया, फिर भी आज भी हम इसे ऑर्गेनिक बोल देते हैं सिर्फ ट्रेडिशन की वजह से. बहुत वर्षों तक हम इसे ऑर्गेनिक कहते रहे हैं, इसलिए आज भी हम इसे ऑर्गेनिक कहते हैं. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई आफ्टर दीज एक्सपेरिमेंट्स. क्या प्रॉब्लम आई? हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कैसे किया जाए, यह समस्या आई. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने की प्रॉब्लम आई, ठीक है ना. पहले तो क्या डेफिनेशन थी? पहले तो ये डेफिनेशन थी कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से डराइव होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे. लेकिन जब ये पता लग गया कि भाई हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से ही नहीं बल्कि हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, तब वो कंसेप्ट खत्म हो गया. द वेरी सिग्निफिकेंस बिहाइंड द नेम ऑर्गेनिक वॉज लॉस्ट. नाउ देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सम पीपल सेड के सिंस ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैविंग कार्बन विदाउट एक्सेप्शन, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो होता ही है, तो किसी ने डेफिनेशन बनाई कि चलो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये डेफिनेशन बना लेते हैं. तब उसमें एक प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम. क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी? बहुत सारे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड और साइनेट और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है. बात समझ में आई? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स विच आर हैविंग कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली. बहुत सारे कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, कार्बाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, देयर आर मेनी ऑफ द मेटल कार्बोनाइल्स, दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन. तो ये डेफिनेशन कि कार्बन कंपाउंड्स विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये डेफिनेशन भी फिर फेल हो गई, ठीक है ना. ये डेफिनेशन भी किसी काम की नहीं थी कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको कह दें जिनमें कार्बन होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन होता है, तो ये डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सूटेबल डेफिनेशन नहीं थी। तो अभी तक की जो मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या है, वो है कि द हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स and their derivatives are organic compounds. The hydrocarbon and their derivatives are organic compound. This is the most modern definition so far for the organic compounds. ठीक है ना? Hydrocarbon क्या होते हैं भाई? Hydrocarbons जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना? जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे उन्हें कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से साहब? एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम देते हैं अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या खास बात होती है कि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मस्ट बी सिंगल। अनसैचुरेटेड के फिर से दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन। ठीक है ना? एल्कीन क्या होते हैं? जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए। ठीक है ना? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइन क्या होते हैं? विच आर हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के शेयरिंग वाले, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर इतनी लंबी चेन बना सकता है, ओपन या क्लोज्ड, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केटिनेशन प्रॉपर्टी। ये इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के हाई होने की वजह से होता है कि कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन्स, इधर ओपन और क्लोज्ड, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड केटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड बिकॉज ऑफ दिस केटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन इन पीरियोडिक टेबल हैज हाईएस्ट केटिनेशन प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन प्रॉपर्टी दिस इनॉर्मस नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यू गेट द पॉइंट? इतने ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स होने का कारण है इसकी केटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड्स बना सकता है बहुत सारे, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत लंबी चेन बना सकता है, ओपन चेन बना सकता है, क्लोज चेन बना सकता है, फुटबॉल जैसा शेप हो सकता है। बहुत सारे कार्बन के टाइप्स पाए जाते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के टाइप्स पाए जाते हैं, साइक्लिक, ओपन चेन, एरोमेटिक, एलिफैटिक, ठीक है ना, एली साइक्लिक, ठीक है, बहुत तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं कार्बन के। और लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो दो तरह के हैं मेनली, कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम ऑर्गेनिक था वो शुरुआत में बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने रखा। और वो क्यों रखा? उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से पाए जाते हैं,
इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाएगा, ऑर्गेनिक। और उन्होंने न केवल नाम ऑर्गेनिक दिया बल्कि उन्होंने एक थ्योरी बना दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये कंपाउंड्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से ही पाए जा सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट क्या होते हैं, मरे हुए जीव जंतु, एनिमल्स या वेजिटेबल्स, प्लांट्स, इनसे जो कंपाउंड्स बनाए जाएंगे उनको कहा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इनिशियली ही प्रपोज्ड ए थ्योरी कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी इन विच ही टोल्ड दैट दीज कंपाउंड्स कुड ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे रिक्वायर ए काइंड ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रिपरेशन विच इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिराइव्ड, कैन नॉट बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी स्टार्टिंग विद एनी इनऑर्गेनिक मटीरियल। बात समझ में आ रही, किसी इनऑर्गेनिक मटीरियल से शुरू करके आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने कहा ये बात। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए खास तरह के ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता होती है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, ठीक है ना। और वो थ्योरी बड़ी पीक पर थी उस समय, लेकिन वोलर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार क्या किया, पहली बार उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट और उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया यूरिया। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज डिराइव सिंथेटिकली आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी स्टार्टिंग विद एन इनऑर्गेनिक मटीरियल। वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा, लेकिन उसके बाद लोगों ने लाइन लगा दी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरुआत कर करके, और वाइटल फोर्स थ्योरी फाइनली कोलैप्स हो गई। जब कोलैप्स हो गई तो प्रॉब्लम क्या थी दूसरी, कि अब ऑर्गेनिक नाम रखने के पीछे का जो सिग्निफिकेंस था वो खत्म हो गया। ऑर्गेनिक नाम क्यों रखा गया था, ऑर्गेनिक नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इनिशियली वी वर अंडर द इंप्रेशन दैट दीज कंपाउंड्स ओनली कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑर्गेनिक। बट नाउ द वेरी सिग्निफिकेंस बिहाइंड द नेम ऑफ ऑर्गेनिक वॉज लॉस्ट, ठीक है ना। तो अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अब कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। किसी ने कहा कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, लेकिन बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, दुनिया भर के। तो उनसे फिर इसको वो तो डेफिनेशन फ्लॉप हो गए। तो अभी तक की एक मॉडर्न डेफिनेशन आई है, क्या, द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी बोलते हैं, और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें हर कार्बन के बॉन्ड सिंगल होते हैं। और अनसैचुरेटेड के दो पार्ट्स होते हैं, एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन की खासियत यह है कि उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा कार्बनों के बीच में, और एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा, ठीक है ना, नोट कर लो इसको।